अच्छा तो पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा शहाब भाई को, बहुत बहुत वेलकम भी कहना चाहूँगा मेरे चैनल गुफार ब्लॉग्स पे। पहले भी आते रहे लेकिन चलते चलते सलाम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कभी दूध की बातें, कभी चलते चलते छोटी छोटी बात, लेकिन आज मौका दे दिया इन्होंने, उनके साथ बैठने का मौका मिला और छोटी छोटी बातें पूछूंगा कि जो जो लोगों के क्वेश्चंस भी रहते थे वो भी थोड़े बहुत जो मेरे माइंड में है वो मैं पूछता चलूंगा। चलो थैंक यू। अच्छा श्याम भाई, सबसे पहले आप बताएं आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लोगों के यू नो कुछ माओं की मुझे कॉल्स आती थी, लाइक मैंने तब पूछ नहीं पा रहा था, उनका ये क्वेश्चन रहता था चलने में, शहाब भाई को कुछ लोग वीडियोस डालते हैं चलने में उनको दिक्कत रहती है, पाँव में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, छाले पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत फिक्र होती थी उन लोगों को, ऐसा कुछ है आपके पाँव में होता है चलने? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं निकलने का टाइम कैसे हो वो अभी भी ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। तो सुन लो, झूठी वीडियोस बनाने वालों, लोगों को टेंशन होती है, शहाब भाई को लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, माओं के दिलों में दर्द होता है जब ये झूठी वीडियोस बनाते हो। एक तो वीडियो मैंने भी ऐसे देखा, टाइगर अटैक शहाब भाई को मैं देखा कैसे चल रहे टाइगर अटैक कर रहे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, शहाब भाई मेरे पास है बिल्कुल सलामत है, एकदम पावरफुल ताकतवर और बहुत ही, एक बिल्ली भी नहीं अटैक करे मैं, कैट भी नहीं आया, पूरा वीडियो दुनिया देखने के लिए गलत गलत पिक्चर। हाँ बिल्कुल, ऐसा मत, आप उन चैनल्स को मत जाइए, अशिया भाई बोलेंगे सही इन्फॉर्मेशन के लिए कौन से चैनल को देखें? सही इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा दोस्त गफार गफार बॉक्स का चैनल देखो, असलम भाई का चैनल देखो, साबित भाई का चैनल देखो, असर भाई का चैनल देखो, ऐसा ऐसा। अच्छा, पहली कन्फ्यूजन आप लोगों की क्लियर होगी, शहाब भाई बिल्कुल ठीक है और कुछ ही टाइम के बाद इंशाल्लाह बॉर्डर क्रॉस करेंगे, सबकी दुआएं, माओ की दुआएं, सबकी दुआएं होनी चाहिए आप लोगों की। अच्छा, जो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया होगा वो मैं क्वेश्चन करूँगा, खाना वाना आपका नॉर्मल रहते हैं? नॉर्मल क्या, स्पेशल क्या है? कुछ स्पेशल इतना चलते हैं चलने में कुछ दिक्कत नहीं, फ्रूट ज़्यादा खाएगा, पानी ज़्यादा पिएगा, आपका दूसरा और दूसरा खाना नहीं है, स्पेशल खाना नहीं है, सेम नॉर्मल खाना बस। आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड पहले मटन था, मटन पहले मैं मेरे घर में एक साल एक टाइम भी मटन नहीं मिला मेरे घर में, अभी मैं यात्रा चालू करने का टाइम इधर डिफरेंट खाने है ना, अभी इधर पूरा एक गांव में पूरा मटन है। अच्छा, मटन शहाब भाई को बहुत पसंद है, अभी मटन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एवरीडे मटन ऐसा अभी कुछ नहीं चाहिए। okay. मेरे को क्या चाहिए मालूम, एक लेमन पीस, एक ग्लास डंडा पानी, थोड़ा नमक, ये मेरा फेवरेट है। क्या नाम क्या है हिंदी में क्या बोला मालूम नहीं, मेरे को नारंगा वेलम बोला, नारंगा वेलम बाद में मुश्ताका जी बोला ए, ज्यादा नहीं पियो लेमन एसिड है, ऐसे ऐसा अभी थोड़ा कम अभी मत नहीं पियो। ओके, अच्छा उसके बाद ये लाइक नो लोगों का ये मानना है कि बहुत सारे लोग झूठ भी फैलाते हैं, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि शहाब भाई डॉक्टर थे, कुछ लोग बोलते हैं शहाब भाई डिफरेंट बताते हैं, डिफरेंट उनकी सिचुएशन, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, तो वो इस बार मैं नहीं बताऊंगा, शहाब भाई खुद बताएंगे कि आप डॉक्टर थे, इंजीनियर थे या क्या था इससे पहले आपका? मैं एक नॉर्मल लाइफ में डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, 9-10 शादी नहीं, दूसरा एक दिन एक लड़की का साथ मेरा फोटो, दूसरा दिन में मैं दूसरा लड़की का साथ, वो 9-10 शादी अभी हो गया मेरा यूट्यूब में। नहीं गलत इन्फॉर्मेशन, लेकिन आई थिंक दूसरा दुनिया देखने के लिए क्या गलत डालने का टाइम, दुनिया को प्रेस जल्दी प्रेस करे, ज्यादा व्यूज, ज्यादा पैसा आएगा, ऐसा आई थिंक के लिए करते गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, तो ना तो डॉक्टर थे ना तो इंजीनियर थे, एक नॉर्मल लाइफ कुछ तो करते होंगे, बिल्कुल भी खाने पीने के लिए कुछ तो करते होंगे, कुछ तो व्हाट वाज दैट सुपरमार्केट जैसा छोटा सुपरमार्केट है उधर, चार आदमी पार्टनरशिप,
अच्छा सुपरमार्केट यानी लुलु हाइपरमार्केट है ना, बड़ा नहीं है ये, चार शटर का एक सुपरमार्केट है। ओके, चार शटर का सुपरमार्केट 800 स्क्वायर फीट। ओके ओके, चार पार्टनर्स, मैं एक शेयर मेरा है। वो पैसा प्रॉफिट ऐसा ऐसा नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह। एक महीना का खाने के लिए, मेरे घर के लिए खाने का सामान उधर से लिया। पैसा अभी भी एक साल, अभी दो साल हो गया मेरा सुपरमार्केट, एक रुपया में नहीं प्रॉफिट नहीं मिला। वो खाने का सामान उधर लेके आएगा, चार आदमी का उधर ऐसा ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को क्या गफार, मैं क्या बोला, एक आदमी को 5,000 मिलेगा एक महीना, ये 5,000 हो जाएगा, हाँ 5,00,000 मिलेगा, वो 5,00,000 कमिटमेंट। 5,000 क्या मालूम नहीं है मेरे को, हिंदी थोड़ा कम नहीं। अच्छा अच्छा, आपका हिंदी मुझे बहुत प्यारा लगता है, मुझे नहीं पूरी दुनिया को बहुत प्यारा लगता है। लेकिन मैं हिंदी नहीं क्यों बोला, आदमी केरला मजा कर रहा है, लेकिन मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। लेकिन आई थिंक नाउ इट्स गेटिंग बेटर। स्टार्टिंग में तो बहुत कम था, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा लगा श्याम भाई की, मुझे हिंदी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। एक डायलॉग इनको इतना प्यारा लगता था मुझे, मैं चाहूंगा अगर ये आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। वो जब बहुत सारे लोग, भीड़ इकट्ठी हो जाती थी ना, बहुत सारी भीड़, तो ये बहुत मुश्किल होता है यार शहाब भाई को, मतलब एक बंदे हैं ये, तो कितने बंदों को फोटोज देंगे, कितने बंदों के साथ हाथ मिलाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। इस मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और शहाब भाई जब कभी अपनी मौज में होते हैं, अभी थोड़ा सा मजाक भी हंसा भी देते हैं थोड़ा सा, और वो ऐसा बोलते होते हैं, शहाब भाई एक आदमी, आप लोग 1,000 आदमी, कितने को हाथ मिलाएगा, कितने को फोटो देगा। करेक्ट है ना, मैं क्या बोलूं, करेक्ट है ना। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर इनकी जगह पे आप हूँ तो आपको मुझे लग रहा है वापस घर चले जाएं, आप यहाँ से आगे ना जाएं। ये हिम्मत का काम होता है, यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं चाहूंगा अगर वो एक डायलॉग वो थोड़ा सा हो जाए। आप लोग शिहाब भाई एक आदमी है, आप 1,000 आदमी मेरे साथ अच्छा करने के लिए आया, मैं क्या करेगा। माफ करो, लेकिन मेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मेरे मोहब्बत है सबके लिए, दुनिया के लिए मोहब्बत है। लेकिन पूरा सब आदमी के क्या आया मालूम, शिहाब भाई कोई नहीं, शिहाब भाई ऐसा आदमी है, नॉर्मल आदमी है, मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा अंदर मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ है, मोहब्बत रसूलुल्लाह, रसूल का मोहब्बत है। ऐसा शिहाब भाई किधर जाएगा, शिहाब भाई मक्का में अल्लाह के घर में जाएगा, ये मोहब्बत शिहाब भाई के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बोले 130 मोर पीपल इन इंडिया, देन अल्लाह सेलेक्टेड मी अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 times। तो मैं ये कह रहा था कि चलो शिहाब भाई ने तो मोहब्बत तो बिल्कुल इसमें नो डाउट मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत मैं बोल रहा हूँ अगर आपको रियली मोहब्बत होती है शिहाब भाई के साथ, तो आके फोटो के पीछे मत पड़िए, आके उनसे मिलिए, सलाम करिए, फोटोज खींचने के लिए मत आइए, मिलने मोहब्बत है तो अपनी फोटो नो प्रॉब्लम। आदमी कमती है ना, क्राउड नहीं ऐसा टाइम, फोटो मेरे साथ वीडियो ऐसा ऐसा, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम। दूसरा आदमी मेरे तरफ, एक आदमी स्माइल, मेरे को भी फायदा है अल्लाह का, ऐसा मेरा बिलीव। क्राउड का टाइम एक आदमी एक फोटो निकाला नहीं जाएगा, नहीं वापस जाएगा, दोबारा आएगा, 20-15 एक आदमी को 15-20-10 फोटो कैसे। अच्छा चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम और नहीं लूंगा मैं। नो प्रॉब्लम। आपका चलने का अंदाज, लाइक यू नो आप चलते हो तो लोग आपके पीछे भागते हैं, आप ऐसे चलते हो लगता है बहुत स्लो है, लेकिन लोगों को देख के लगता है कि भागते हैं, अब स्पीड का तब पता चलता है कि आपका क्या स्पीड है। वो आपने आने से पहले वॉकिंग का प्रैक्टिस किया था? प्रैक्टिस है, मैं पहले प्रैक्टिस का ज्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन पेपर वर्क का ज्यादा टाइम, एक साल 9-10 महीना वो पेपर वर्क के जाएगा। मैं दिल्ली में ऐसा, बेंगलुरु में ऑफिस के लिए, वीसा के लिए, एम्बेसी में ऐसा ऐसा 9-10 महीना जाएगा, एक साल समथिंग में सुपरमार्केट में जाने का टाइम चल के जाएगा, पैदल जाएगा, वापस आने का टाइम, ब्रेक का टाइम ऐसा ऐसा। मेरा बीवी भी मेरे साथ है। अच्छा अच्छा, प्रैक्टिस करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा बीवी मेरे को, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा सा ये रिपीट कर देता हूँ कि प्रैक्टिस उन्होंने ज़्यादा नहीं किया वॉकिंग का, क्योंकि पेपर वर्क में ज़्यादा बिजी रहे, और एक साल पेपर वर्क 9-10 महीना पेपर वर्क में बिजी रहे, और प्रैक्टिस का उतना नहीं, एक मंथ प्रैक्टिस, 1 month किया होगा। ये टाइम मैम पेपर वर्क करने का टाइम दिल्ली में, बेंगलुरु में,
वो जाने का टाइम मैम दूसरा गाड़ी में नहीं जाएगा, पूरा ऑफिस में मैं चल के जाएगा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पेपर वर्क के लिए। नहीं नहीं, इधर से दिल्ली के लिए गाड़ी में चला, इधर से दिल्ली के लिए ट्रेन में जाएगा, उधर ऑफिस में जाने का टाइम मेरा रूम में ऑफिस में ऐसा ऐसा 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ऐसे चल के जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो गाड़ी या बस से जाएंगे, लेकिन वहाँ ट्रेन में, उधर से लेकिन उधर का ही जो काम होगा वो वॉकिंग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पूरा वॉकिंग। माशाल्लाह लेकिन ट्रेनिंग के लिए। अच्छा स्पोर्ट्स में शहाब भाई क्या आपको अच्छा लगता है स्पोर्ट्स? मेरे को क्रिकेट मालूम नहीं है, फुटबॉल मालूम नहीं है, मालूम देखने का गोल है ए 6 है 4 है ऐसा मालूम, प्ले करने का मालूम नहीं है मेरे को। अच्छा सिद्क, मैं सिद्क बोले झूठ नहीं बोले, ओके मेरे को क्रिकेट प्लेइंग आई डोंट नो, फुटबॉल आल्सो आई डोंट नो कैसे प्ले करते हैं मालूम नहीं, एक गोल आने का टाइम मेरे को मालूम है गोल है 6 4 ऐसा ऐसा मालूम, लेकिन प्ले करने को मेरे को मालूम नहीं। माशाल्लाह मैं डिफरेंट थिंग, छोटा से मैं डिफरेंट थिंग। हाँ मुझे बात याद है कि शहाब भाई ने बोला जब छोटे से थे, अभी इन्होंने प्लान नहीं किया हज का, या जब छोटे थे नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तब से इनके माइंड में आता था कि पैदल हज को जाना है, वो थोड़ा सा बता दे क्या क्या। नमाज का टाइम में पहले छोटा था, वो नमाज का टाइम तकबीर अल्लाह अकबर तकबीर बोलने का टाइम में आई थिंक अल्लाह आई थिंक काबा ऐसा ऐसा दैट टाइम आई थिंक आई एम गोइंग टू स्ट्रेट काबा मिलेगा ऐसा मैं थिंक। ओके इंशाल्लाह मैं सीधा जाने का टाइम मुमकिन काबा मिलेगा, क्यों नहीं जा सकते ऐसा ऐसा मैं मेरा थिंकिंग आई थिंक सम रॉन्ग आई डोंट नो, लेकिन मैं थिंक क्या सीधा जाने का टाइम इंशाल्लाह काबा मिलेगा ऐसा मैं थिंक। और मेरा हाँ वो और एक मैम इधर जेनी का स्टडी करने का टाइम एक आदमी मैम पूछा एक आदमी को, वो आदमी क्या पहले 40 साल का पहले वो पाकिस्तान में गया, वो जाने का टाइम क्या बोला हज करने के लिए पैदल जाएगा एक आदमी केरला बंदा, वो आई थिंक 75-80 years old दैट टाइम वो बोला पाकिस्तान में पहुंचने का टाइम, वो एक पाकिस्तानी का पूछा, वो टाइम गूगल मैप नहीं गूगल नहीं ऐसा ऐसा लोकेशन नहीं ऐसा दैट टाइम दैट गाय आस्किंग वन पाकिस्तानी सम पीपल लाइक आस्किंग कैसे जाएगा मक्का से कैसे जाएगा ऐसा पूछा, वो टाइम वो बंदा बोला चांद का साथ सीधे जाओ काबा मिलेगा माशाल्लाह सुभानअल्लाह। देखो वो टाइम लोकेशन नहीं ऐसा ये आदमी चांद में देखा सीधा जाएगा लेकिन काबा नहीं मिला वो टाइम, लेकिन क्यों वो उधर कैसे मालूम नहीं वो टाइम पैसा नहीं ऐसा ऐसा थोड़ा अटैक दूसरा आदमी अटैक करने का कर वापस केरला में आएगा वापस फ्लाइट में जाने का अभी हाजी है मेरे साथ पैदल नहीं कंप्लीट किया पैदल नहीं टाइम ओके पाकिस्तान तक जाया उधर पॉकेट पिक पॉकेट हो गया उसका पैसा सब वो रिटर्न आया चोर चोर हो गया वापस आ गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या भाई आपकी हॉबीज कुछ होते हैं ना लाइफ में कुछ हॉबीज? आई एम राइटिंग पहले था राइटिंग स्टोरी एंड अभिमुख आत्मा का लेखन दबा रहा नॉवेल नॉट नॉवेल लाइक इस्लामिक सॉन्ग्स एंड इस्लामिक स्टडी आई एम टीचिंग द इस्लामिक हदीस ऑल्सो 4 साल का 5 साल का पहले मैं उधर टिकटॉक यूज़ कर रही हूँ टिकटॉक सऊदी में आने का टाइम वो टाइम मेरे को 1.2 million फॉलोवर्स नॉट फॉलोवर्स देखने का आदमी है ना 1.2 million वो टाइम बाद में इंडिया में बैन कर दिया वो टाइम भी मैं सोशल मीडिया में ऐसा दावत दीन का दावत। लास्ट क्वेश्चन नॉट क्वेश्चन मेरी YouTube फैमिली वालों के लिए जितने भी देखने वाले बंदे हैं उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे? क्या मैसेज में क्या बोला ये दूसरा डिफरेंट यूट्यूबर्स क्या करेगा दुनिया देखने के लिए रॉन्ग थंबनेल रॉन्ग मैसेज ऐसा उसको क्या चाहिए पैसा चाहिए दुनिया तो गलत मैसेज। गफ्फार भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले क्या बोला इतना यूट्यूबर्स है मेरे साथ आया शाह भाई वीडियो ऐसा ऐसा मैं एक
अंदर एक मोहब्बत है, क्या मालूम नहीं मेरे को, लेकिन यू आर इनोसेंट, इनोसेंट हाँ, गुड पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा आदमी है गफ्फार, वो गलत नहीं बोला मेरे तरफ भी, दुनिया दुनिया का साथ में कुछ गलत नहीं बोला। और दूसरा बात, अभी उसका एक टेंशन मेरे साथ बोला आपको, शाह भाई ने अकेला छोड़ा, अब वापस घर पे जाए गए, प्रॉब्लम है, टेंशन है, मैं वापस, आप ऐसा टेंशन मत करो मेरे साथ, ला तहज़न इन्नल्लाह मायना, ये मेरा भी माइंड में, ला तहज़न इन्नल्लाह मायना, लेकिन अल्लाह है मेरे साथ, और रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह है मेरे साथ, कोई टेंशन नहीं, अल्लाह है मेरे साथ, ये पूरा दुनिया चलेगा क्यों, अल्लाह चल, बिल्कुल तो बस वही मैं कह रहा था कि आप लोगों को पेट में, सॉरी अभी शाह भाई हैं साथ में, सॉरी अभी ज़्यादा खुल नहीं सकता हूँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो गई थी कि मैं शाह भाई से के साथ छोड़ के चला गया हूँ, वो टेंशन में है ना, तो वो टेंशन में है और ना कोई घबराहट है वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, वो एकदम फर्स्ट क्लास है, हज के लिए जा रहे हैं और हज जाके ही छोड़ेंगे। इनके कुछ डायलॉग्स है वो मैं आपको यहाँ पर सामने नहीं बता पाऊँगा, एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगा आपको कि कैसा उनका अंदर में मतलब व्हाट पी से एक्साइटमेंट है हज को लेके, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा। और मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली वालों ने बहुत सारे सलाम भेजे हैं आप लोगों के लिए, और आप सलाम बोलो, अस्सलाम वालेकुम भेजा मेरे यूट्यूब फैमिली वालों ने, वालेका वालेही सलाम, ये क्या मालूम आप मेरे तरफ मेरे साथ सलाम बोलने का टाइम क्या, अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाब क्या बोला, वालेकुम सलाम, अनदर पर्सन से यू गफ्फार भाई, शहाब भाई को एक सलाम बोलो, अस्सलाम वालेकुम बोला, अब मेरे शहाब भाई ऐसा ऐसा आदमी मेरा सब्सक्राइबर साहब के साथ सलाम बोला, अस्सलाम वालेकुम बोला, दैट टाइम मैं क्या जवाब, वालेका वालेही सलाम, लेकिन गफ्फार भाई के लिए आपका सलाम बोलने का आदमी के लिए अल्लाह का समाधान थी नंदा भरे। हाँ शहाब भाई का ये मानना है कि जब सलाम बुलाना होता है तो ऐसे बोलना होता है, अस्सलाम वालेकुम, दूसरा आदमी आपका साथ, आपका सब्सक्राइबर आपको मालूम कितने आदमी सलाम बोला, वो टाइम में क्या बोला, वालेका वालेही सलाम, वालेका वालेही सलाम, थर्ड पर्सन, सेकंड, ओके, वालेका वालेही सलाम, वालेका वालेही सलाम, फॉर थर्ड, अच्छा ये बात मुझे आज पता चली, जब थर्ड पर्सन का सलाम होता है वो अगर हम सलाम भेजते हैं किसी के पास तो उसका रिप्लाई वालेकुम अस्सलाम, नो नो वालेका वालेही सलाम, वालेका वालेकुम सलाम, वालेका वालेही सलाम होता है, सलाम भेजने के टाइम भी अस्सलाम वालेकुम करके आप बोलना, हाँ, और जो जब देना होता है तब अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बोले, सलाम नो, नो सलाम, नॉट ओनली सलाम, शिहाब भाई आपका मेरा सब्सक्राइबर सलाम बोला ऐसा नहीं, शिहाब भाई मेरा सब्सक्राइबर अस्सलाम वालेकुम बोला, मैम जवाब वालेका वालेही सलाम, बहुत लोग मैसेज करते हैं सलाम सलाम करके रखते हैं, शिहाब भाई को सलाम बोलो, शिहाब भाई का सलाम बोला ऐसा कुछ फायदा नहीं है, अस्सलाम वालेकुम ऐसा बोले, थैंक्स फॉर योर टाइम, आज शाह भाई कटिंग वटिंग करवा के सब एकदम बहुत अच्छे माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं शाह भाई, और शुक्रिया बहुत बहुत, आपका फेस है देखो मेरे तो ऐसे ही है, चलो बस 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 बस, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और सारी मेरे माइंड में जो क्वेश्चंस थे वो मैंने पूछ ली, और कभी मौका मिला नेक्स्ट टाइम, कभी मौका मिला तो चलो, पहले तो थैंक्स आपका टाइम देने के लिए, कभी नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो आप क्वेश्चंस अगर मेरे माइंड में हुए या आपके क्वेश्चंस हुए तो मैं ज़रूर पूछूंगा, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें, और इम्पोर्टेंट मैसेज जो हमेशा देता हूँ, अपने बच्चों को फ्यूचर की इम्पोर्टेंस बताएं, उनको बीड़ी गुटखा तंबाकू शराब इन सारी गंदी आदतों से बचाएं, ये मैं भी कहता हूँ, शाह भाई भी कहते हैं, एक बार शाह भाई आप भी बोल दीजिए, गुड मैसेज, लेकिन एवरी वीडियो आई एम आस्किंग यू, पूरा वीडियो में एक एक मैसेज दुनिया के लिए, एक एक मैसेज, अच्छा मैसेज, दैट इज योर प्रॉफिट, यस यस, बीड़ी तंबाकू ऐसा चेन खड़ा, ऐसा ऐसा मुसलमान का तरीक नहीं है, ये छोड़ो इस्लाम का तरीक में, रसूल का सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत में पीछे जाओ, पांच वक्त नमाज पढ़ो, ऐसा ऐसा नमाज है पूरा बरकत है दुनिया में आखिर में, नमाज नहीं दुनिया में फ़ायदा नहीं आखिर में फ़ायदा नहीं, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।